दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन दुनिया का सबसे ज्यादा अनलकीस्ट आप कह सकते हैं ये प्लेयर है, क्योंकि विराट कोहली ने दुनिया के हर टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा रन्स किए। सिमिलरली आईपीएल के अंदर भी हर सीजन में तबाही मचाई। इस सीजन के अंदर विराट कोहली ने 741 रन स्कोर किए, 61 की एवरेज थी, 154 का स्ट्राइक रेट था, 550 100, इसी के साथ साथ 62 चौके मारे, 38 छक्के भी मारे। वो रिकॉर्ड अपने नाम की जो किसी ने नहीं किए। लेकिन फिर एट द एंड क्या हुआ, जब नॉकआउट मैच आया विराट कोहली की टीम हार गई। इस बंदे की आप लॉयल्टी देखिए कि 16 साल से एक ही फ्रेंचाइज के साथ है, कभी फ्रेंचाइज नहीं बदली पैसों के लिए, हमेशा से इसके साथ रहा कि एक दिन इस फ्रेंचाइज को मैं जितवा के रहूंगा। लेकिन एट द एंड होता क्या कि हर साल की तरह आरसीबी प्लेऑफ के अंदर आके एक अपना मैच हार जाती है और बाहर हो जाती है। होना नहीं चाहिए था, मेरे ख्याल आरसीबी का इसमें अपना फॉल्ट है। अफसोस इस बात पे हो रहा था कि आरसीबी चेन्नई को हराने के बाद शायद वो समझ रहे थे कि अब वो फाइनल में पहुंच गए। क्यों? बहुत साफ, बहुत आसान अल्फाज में बताता हूं। नो डाउट सीएसके के अगेंस्ट सबकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, सबकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो जुमला क्या बोला जाता है, एवरी डे इज नॉट संडे। जिस तरह पहला मैच जीतने के बाद आरसीबी फेल हुई थी ना, उन्होंने वही पॉलिसी आज मैच में करी। सीएसके के मैच में कौन नंबर 3 पे आया, रजत, जो बिल्कुल बढ़िया फॉर्म में था। आज क्या करा, ग्रीन को पहले भेज दिया, कोई फायदा नहीं हुआ ना। लेकिन यार जहां से विराट कोहली की आंखों में आंसू थे ना, मैं ये आपको बता नहीं सकता मैं कितना दुख में हूँ। अगले 1000 साल, अगले 100 साल तक भी आरसीबी इसी तरह हारती रही। आरसीबी अपने 14 के 14, 15 के 15, 20 के 20 मैच भी हारती रही। एक बंदा होगा जो आरसीबी को सपोर्ट कर रहा होगा, वो ये मर्दे मुजाहिद होगा इंशाल्लाह। आरसीबी को भाई कभी छोड़ना ही नहीं है यार, मतलब ये छोड़ने वाली टीम है यार, ये इनके साथ हमारे इमोशंस अटैच है यार। तो आज उसको देखा ना, यकीन माने मैं आधा घंटा साइड पे बैठ के रोता रहा हूँ यार। विराट कोहली दिल हारने की जरूरत नहीं है, आपके लाखों फैंस है, आप जीते हो आप हारे हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। आप एक दफा विकेट पे आगे हो ना, आपने विकेट पे आगे बल्ला घुमा दिया, हमारे लिए इतना ही काफी है। समय को वालेकुम सलाम सर। आरसीबी राजस्थान से हार के आईपीएल सीजन 70 से भी बाहर हो गई है। बहुत ज्यादा उदास हो गया हूँ मैं, आपको बता नहीं पा रहा, मुझे रोना आ रहा है। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए यार। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एक और बार आरसीबी आईपीएल से बाहर हो गई, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 6 मैचेस आरसीबी ने खेले थे और प्लेऑफ में क्वालिफाई किया था, ये लग रहा था कि वो इन प्लेऑफ में भी आरआर को हराकर थर्ड प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगा, जहां पर उनकी भिड़ंत एसआरएच से होगी। पर आरआर ने सेकेंड प्लेऑफ में दमदार परफॉर्म किया और आरसीबी को इस प्लेऑफ से बाहर कर दिया, जहां पर विराट कोहली सबसे ज़्यादा मायूस हुए, क्योंकि उनके कारण ही सीबी ने लगातार 5 मैच जीते और प्लेऑफ में क्वालिफाई किया था, जहां पर एक भी ऐसा आरसीबी का प्लेयर नहीं था जो कि इस प्लेऑफ में परफॉर्म कर पाया, और यही कारण है कि आरआर ने उनको हरा कर सेकेंड प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। आरसीबी दोबारा फेल हो गया एलिमिनेटर में, जिस वे में खेला, जिस तरह से ऊपर आया, और राजस्थान रॉयल ने टॉस जीतने के बाद बिल्कुल ही बैकफुट पे कर दिया। होना नहीं चाहिए था, मेरे ख्याल आरसीबी का इसमें अपना फॉल्ट है। अफसोस इस बात पे हो रहा था कि आरसीबी चेन्नई को हराने के बाद शायद वो समझ रहे थे कि अब वो फाइनल में पहुंच गए। क्यों? बहुत साफ, बहुत आसान अल्फाज में बताता हूं। नो डाउट सीएसके के अगेंस्ट सबकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, सबकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो जुमला क्या बोला जाता है, एवरी डे इज नॉट संडे। जिस तरह पहला मैच जीतने के बाद आरसीबी फेल हुई थी ना, उन्होंने वही पॉलिसी आज मैच में करी। सीएसके के मैच में कौन नंबर 3 पे आया, रजत, जो बिल्कुल बढ़िया फॉर्म में था। आज क्या करा, ग्रीन को पहले भेज दिया, कोई फायदा नहीं हुआ ना। चाहे उसने 27 रन करे, डजंट मैटर,
विराट कोहली ने दुनिया के हर टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा रन किए। सिमिलरली आईपीएल के अंदर भी हर सीजन में तबाही मचाई। इस सीजन के अंदर विराट कोहली ने 741 रन स्कोर किए, 61 की एवरेज थी, 154 का स्ट्राइक रेट था, 550, 100, इसी के साथ साथ 62 चौके मारे, 38 छक्के भी मारे। वो रिकॉर्ड अपने नाम की जो किसी ने नहीं किए। लेकिन फिर एट द एंड क्या हुआ, जब नॉकआउट मैच आया विराट कोहली की टीम हार गई। इस बंदे की आप लॉयल्टी देखिए कि 16 साल से एक ही फ्रेंचाइज के साथ है, कभी फ्रेंचाइज नहीं बदली पैसों के लिए, हमेशा से इसके साथ रहा कि एक दिन इस फ्रेंचाइज को मैं जितवा के रहूंगा। लेकिन एट द एंड होता क्या कि हर साल की तरह आरसीबी प्लेऑफ के अंदर आके एक अपना मैच हार जाती है और बाहर हो जाती है। इस साल इनको उम्मीद नहीं थी कि ये क्वालिफाई करेंगे, लेकिन अनहोनी को इन्होंने होनी कर दिया। कहां से इन्होंने क्वालिफाई किया, हर किसी को लग रहा था कि इस दफा ई साला कप नम दे, दिस ईयर कप इज ऑर्स, लग रहा था कि हो जाएगा। लेकिन एट द एंड हुआ क्या, राजस्थान ने बड़ी शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की और विराट कोहली और आरसीबी का सपना फिर से टूट गया। जो एक फार्मूला चल रहा था उसी तरह जाना चाहिए था, इसी तरह मैक्सवेल को भेजा। जब पता था कि टॉस जीता है उन्होंने, और जिस तरह बोल्ट का बॉल मूव कर रहा था ना, बॉल अंदर आ रहा था, दो ओवर में मेरे ख्याल उसने 4 रन दिए थे और कोहली उसको टैकल कर रहा था, एक दो शॉट भी मारे, क्रॉस मारा लेकिन लगा नहीं। उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ कि बोल्ट ने 3 ओवर करे पहले ही स्पेल में, जिसमें उसने फाफ को आउट करा, लेकिन सारा प्रेशर आ गया विराट कोहली के ऊपर। उसने क्या करा, जैसे अश्विन ने 7वां ओवर करा उसमें उसने 6 रन दिए। खुशी तो बहुत है, लेकिन यार जहाँ से विराट कोहली की आंखों में आंसू थे ना, मैं ये आपको बता नहीं सकता मैं कितना दुख में हूँ। अगले 1000 साल, अगले 100 साल तक भी आरसीबी इसी तरह हारती रही। आरसीबी अपने 14 के 14, 15 के 15, 20 के 20 मैच भी हारती रही। एक बंदा होगा जो आरसीबी को सपोर्ट कर रहा होगा, वो ये मर्दे मुजाहिद होगा इंशाल्लाह। आरसीबी को भाई कभी छोड़ना ही नहीं है यार, मतलब ये छोड़ने वाली टीम है यार, ये इनके साथ हमारे इमोशंस अटैच हैं यार। तो आज उसको देखा ना, यकीन माने मैं आधा घंटा साइड पे बैठ के रोता रहा हूं यार। विराट कोहली दिल हारने की जरूरत नहीं है, आपके लाखों फैंस हैं, आप जीते हो, आप हारे हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। आप एक दफा विकेट पे आगे हो ना, आपने विकेट पे आगे बल्ला घुमा दिया, हमारे लिए इतना ही काफी है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, आरसीबी राजस्थान से हार के आईपीएल सीजन 70 से भी बाहर हो गई है। बहुत ज्यादा उदास हो गया हूँ मैं, आपको बता नहीं पा रहा, मुझे रोना आ रहा है। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए यार, यकीन कर लो कि मैं अपना सर दीवार में मार 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 के बस टूटने ही वाला था कि मेरी अम्मा ने मुझे पकड़ लिया। खुदा खुदा करके हम प्लेऑफ में लेके आए हैं, 6x6 की स्ट्रीक लगाई हमने, धोनी का मिंतरला डाला कि यार आरसीबी को आगे आने दो, और धोनी ने हमारी बात मानी। लेकिन उसके बाद आरसीबी ने जो आज परफॉर्म किया, यकीन करो कि मतलब के तमाम प्लेयर्स यार, आज किंग से बड़ी उम्मीद थी, किंग कोहली ने भी परफॉर्म नहीं कर सके, पार्टी डर भी नहीं, मतलब उस तरह जैसे पहले 54-55 राउंड आउट कर रहा था, आज वो भी नहीं करा। लेकिन यकीन करेंगे आज आरसीबी ने जन्म दिल तोड़ा है, और इस जन्म दिल तोड़ने का ये नुकसान होगा कि आईपीएल की व्यूअरशिप गिर जाए। लेकिन यार हैट्स ऑफ टू राजस्थान रॉयल यार, व्हाट अ कैप्टनशिप बाय संजू सैमसन, यकीन ना माने, वाकई पता चलता है कि एक प्लेयर आया था एक जो कॉन्कर करके गया आरसीबी को।